करतारपुर कॉरिडोर खोलने को लेकर के जो सरकार ने फैसला लिया है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू साहब। सिद्धू साहब, करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला हो गया है और आपने जाकर के वहाँ बात की थी, आपने बहुत उम्मीदें व्यक्त की थी, क्या रिएक्शन है आपका? मेरा रिएक्शन ये है कि मैं बहुत खुश हूँ। इसमें मेरी मैं तो छोटा सा निमित्त मात्र हूँ, निमाणा सिद्धू है। करोड़ों मेरे जैसे सिख भाई बहन, मेरी माताएं, वो सब उनके हृदय में आस के दीप प्रफुल्लित हो गए, उनकी अरदास कबूल हो गई है। मेरे माता पिता हर साल वहां जाके माथा टेकते थे। जब आप गए थे पाकिस्तान इमरान खान के नहीं होते, बड़े सवाल उठे थे, तमाम लोगों ने कहा था कि आप जाकर के वहाँ के आर्मी चीफ के गले लगे, लेकिन आपने कहा था कि मैं एक पीस चाहता हूँ दोनों देशों के बीच में, एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करना चाहता हूँ। तो उस आलोचना गुडविल एम्बेसडर की तरह काम करना चाहता हूँ, तो काफ़ी सवाल उठे थे कि जब गले आप लगे थे उनके, तो आज कैसे देखते हैं उस तमाम क्रिटिसिज्म को? अरे भाई, मैं तो शुक्र गुजार हूँ कि अपने चरणों की एक धूड़ को उसने 3 महीने पहले उससे शुरुआत करवा दी। आज प्रधानमंत्री भी तो वही कह रहे हैं जो मैं कहता था। मैं कहता था कि भाई, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अगर इकट्ठे होकर स्पोर्ट्स में साथ साथ चल सकते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? ट्रंप साहब और कोरिया वाले अगर इकट्ठे हो सकते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? तो भाई, धर्म को राजनीति से परे रखो। और मतलब मेरी मतलब खुशी की कोई सीमा ही नहीं है भाई। मैं दोनों सरकारों का तह दिल से धन्यवाद करता हूँ साहब, इससे बड़ी दात कोई है नहीं। मेरी पगड़ी जब बाबा नानक के दर पे लगेगी, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा मक्का है और 1947 से हमको उस मक्के से वंचित रखा गया है। मेरे भाई, हम लोग गुहार लगाते रहे हाँ, और सिखों की कुर्बानियाँ देखिए आप। तो मैं शुक्रगुजार हूँ और अपने दोस्त इमरान खान साहब का कि फिर उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, 3 महीने पहले जो शुरुआत की थी बाबा नानक का जरिया बना के फिर उन्होंने मुझे खड़ा किया। जाएंगे इमरान खान के नौते पे? भैया, मैं बाबा नानक के दर के लिए 7 समंदर दूर जा सकता हूँ, और ये तो इतने बड़े सम्मान से उन्होंने मुझे नवाजा है। मैं अगर मुझे बुलाएंगे, यहाँ 26 तक मेरे प्रोग्राम लगे हुए हैं, मैं इनसे परमिशन मांगूंगा कि मैं वहाँ भी जाना चाहता हूँ और दूसरी तरफ भी जाना चाहता हूँ। इसमें सिद्धू को परे रखो यार, और वो 12 करोड़ नानक नाम लेवा जो हैं उनके लिए सरकार ने अपने फ़र्ज़ निभाए हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ के बिल्कुल नीमा होके, और झुकते वो हैं जिनमें जान होती, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है दोस्त, बिल्कुल झुक के उन सब का धन्यवाद करता हूँ। तो इमरान खान को गले लगाएंगे इस चीज़ के लिए जो उन्होंने ये कॉरिडोर खोलने की बात हुई है? मेरे मुँह में शब्द ना डालो भाई। जब हम क्रिकेट खेलते थे, जब विराट कोहली हाथ मिलाता है गले भी लगते हैं, सब लगते हैं भाई। मेरी एक बात समझो, स्थिति क्या बनती है वो बाबे नानक पे छोड़ो। आपने इमरान खान से काफ़ी उम्मीदें व्यक्त की थी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, आपने कहा था कि ये आदमी विजनरी है, बहुत चीज़ें करेगा इंडो पाक रिलेशंस को लेकर के। तो ये जो कदम है इंडियन गवर्नमेंट ने उठाया, उधर से भी ये चीज़ें हुई हैं, तो आप क्या आगे इंडो पाक रिलेशंस को लेकर के क्या सोचते हैं? देखिए, मेरी ये बात सुनिए, मैं तो आस रखने वाला हूँ, निर्णय सरकारों ने लेने होने, मैं तो दोस्त बन के गया था, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि वो बंदा जांचा परखा खड़ा है, संघर्ष से उसे सब कुछ मिला, उसे इसकी वक्त पता है, उसे आस उम्मीद की भी आस, क्योंकि नहीं तो 3 महीने पहले जो पहले नहीं हुआ 70-75 साल में, एक वजीर आजम कैसे कह सकता है और इस कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता है? और वो पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई, हमने तो फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट आई, कुरैशी साहब की स्टेटमेंट आई, खान साहब की स्टेटमेंट आई, सारे पाकिस्तान की स्टेटमेंट आई कि हम लांगा खोलने के लिए तैयार हूँ, उन्होंने सबसे पहले ये स्टैंप्स चालू की। तो मैं तो जाके सुषमा जी के पैरों में हाथ लगा के मैंने यही कहा कि बहन जी, आप चिट्ठी लिख दीजिए। उन्होंने कहा कि जी, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। और क्या करने गया था मैं? यही करने गया था। जैसे ही आज भारत की सरकार 3 महीने बाद वही कर रही है ना, इसमें क्या नया है भाई? वही 3 महीने में पहले कहा था, इतना बवाल कर दिया, जरूरत नहीं थी।